हाय गाइस, दिस इज ऋतिक कक्कड़। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर आपको पता लग ही गया है कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक गोप्रो या किसी भी एक्शन कैमरा को अपने हेलमेट पे कैसे माउंट कर सकते हैं। और ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही रीज़न है, जब मैंने यूट्यूब पर सर्च किया हाउ टू माउंट एक्शन कैमरा ऑन हेलमेट, तो उसके अंदर मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी, लेकिन उन वीडियोज़ के अंदर मुझे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना इसी टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए, जिससे कि उन लोगों को हेल्प मिल सके जिन लोगों को फ्यूचर में या आने वाले कुछ टाइम बाद मोटो व्लॉग स्टार्ट करने हो। एंड हाँ, इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रॉपर एक एक चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, एक मोटो व्लॉगिंग सेटअप को कैसे रेडी करें, लाइक उसके अंदर हमें क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं और हमारे पास अलग अलग क्या क्या ऑप्शन है एक मोटो व्लॉगिंग सेटअप को रेडी करने के लिए। और जो हमारे माइक्रोफोन की वायर्स होती हैं जो हम हेलमेट के अंदर हाइड करते हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कैसे हम हेलमेट की पैडिंग के पीछे वायर को हाइड करते हैं, जिससे कि हम जब हेलमेट को पहने तो वो हमें अनकंफर्टेबल फील ना हो। और ये मोटो व्लॉगिंग सेटअप आप सिर्फ 5 रुपए के अंदर भी रेडी कर सकते हैं। ऑन डैट नोट, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक मोटो व्लॉगिंग सेटअप रेडी करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है एक हेलमेट। और आप अगर हेलमेट परचेज करने की सोच रहे हैं तो आप ISI सर्टिफाइड हेलमेट ही परचेज करना, क्योंकि 2021 में मोर्त ने एक रूल कंपलसरी किया था कि आप ISI सर्टिफाइड हेलमेट पहनकर अगर रोड पे नहीं जाते तो आपका चलान हो सकता है, एंड सेकंड वो आपके लिए सेफ भी नहीं है। सो मेक श्योर अगर आप हेलमेट परचेज करने जाएं तो ध्यान रखना ISI सर्टिफाइड मार्क का। और मैंने भी हेलमेट परचेज किया है जो ISI सर्टिफाइड है, और मैंने ये हेलमेट परचेज किया है वेगा का ऑफ रोड DV, एंड दिस इज़ अ गुड हेलमेट फॉर सेफ्टी पर्पज। एंड लुक्स में तो कहना ही क्या, ग्राफिक्स एंड ऑल मुझे तो बहुत पसंद आया इसके। एंड ये ISI सर्टिफाइड भी है, और ये हेलमेट मैंने परचेज किया है अमेजोन से। एंड इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट टू बाई दिस हेलमेट तो आप चेक कर सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। हेलमेट के बाद दूसरा हमें यहाँ पे चाहिए एक एक्शन कैमरा या GoPro, और मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ GoPro Hero 9 ब्लैक। और अगर आपको भी Hero 9 ब्लैक यूज़ करना है तो इसके लिए आपको साथ में कुछ और एसेसरीज भी परचेज करनी पड़ेंगी। सबसे पहली एसेसरीज है ये माइक अडेप्टर, क्योंकि GoPro Hero 9 में माइक लगाने का कोई भी पोर्ट नहीं दिया कंपनी ने, जो कि इनकी बहुत ज़्यादा गलत बात है, क्योंकि जो GoPro Hero 9 है वो ऑलरेडी इतना महंगा कैमरा है, उसके बावजूद भी हमें ये छोटी छोटी एसेसरीज परचेज करनी पड़ती हैं। और जो GoPro की एसेसरीज हैं वो भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। ये माइक अडेप्टर मुझे लगभग 4,000 रुपये के अराउंड पड़ा है, और माइक अडेप्टर लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वीडियो की क्वालिटी अगर एक बार को अच्छी ना हो तब चल जाता है, लेकिन ऑडियो की क्वालिटी शुड बी वेरी गुड, क्योंकि तभी वीडियो देखने में मज़ा आता है। डैट्स वाई ये माइक अडेप्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मोटो व्लॉगिंग सेटअप के लिए। और ये हीरो 9 का अडेप्टर अगर आपको परचेज करना है तो आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इसका भी। इसके बाद हमें चाहिए होगा एक GoPro का केस, जिसके अंदर GoPro भी फिट हो जाए और ये माइक अडेप्टर भी फिट हो जाए। इस GoPro Hero 9 के केस में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन मुझे पर्सनली इलांजी का मीडिया मोड अच्छा लगता है, क्योंकि क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है ये एंड पॉपुलर ब्रांड है ये, सो यू शुड ऑल्सो गो विद दिस। एंड ये इलांजी मीडिया मोड आप परचेज कर सकते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट से, इसका जो लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाकर आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए एक लैप माइक, और लैप माइक के अंदर बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे लिया है बोया का M1 माइक, और ये माइक मुझे पर्सनली बहुत सही लगता है। मैंने ऑलरेडी ये माइक यूज़ किया है और लगभग ये 1.5-2 साल तक कहीं भी नहीं जाता, बहुत सही चलता है 1.5-2 साल तक। और इस लैप माइक का बहुत फ़ायदा है कि हमारी वीडियो की क्वालिटी के अंदर ये 4 चांद लगा देता है, क्योंकि हमारी ऑडियो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है इस लैप माइक की वजह से। और ये बोया का जो M1 माइक है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, एंड ये प्रोडक्ट आपको परचेज करना है तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये सारी तो थी एसेसरीज जो हमें एक मोटो व्लॉगिंग सेटअप को रेडी करने के लिए लगेंगी। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं कि हेलमेट पे GoPro को कैसे माउंट किया जाए। उसके लिए हमें चाहिए होता है कि ये माउंट जो कि GoPro के साथ ही आता है, और इसके पीछे ये 3mm की टेप लगी होती है, लेकिन मैं ये वाला माउंट यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि जो मेरा हेलमेट है उसका जो सरफेस है वो आगे की साइड है, और ये जो मैंने माउंट आपको दिखाया ये लगता है प्लेन हेलमेट पे, लाइक जिसका सरफेस प्लेन होता है। अगर आपके पास भी इस तरह का ऑफ रोड वाला हेलमेट है जिसका सरफेस एरिया है वो बाहर की साइड हो, तो इसका एक ही जुगाड़ है, हम यहाँ पे कराएंगे ड्रिल, और इसके लिए अब हमें चलना पड़ेगा बाहर। तो इसके हिसाब का नट चाहिए मेरे को जो इसमें लग जाए। भैया एक पार्सल चाहिए।
इसके अंदर लगाने के लिए। ये नट लगाना है इसके अंदर यहाँ पे ड्रिल करके, ड्रिल करके नट लगाना है कैमरा सेट करने के लिए। लग जाएगा यहाँ, ठीक है कर दे। लो ड्रिल दे दो बस। अब तो गाइस जैसे आपने देखा कि ड्रिल कराने के बाद इस हेलमेट के अंदर एक स्क्रू डाला है मैंने, जिससे कि ये होल्ड भी हो जाए और जो सरफेस एरिया हमारा जो आगे की तरफ था इसका सिर्फ एक ही जुगाड़ था कि इसके अंदर हम ड्रिल करा के स्क्रू डालें। स्क्रू के अंदर हम लगाएंगे ये ट्राइपॉड माउंट आता है गोप्रो का ही, स्क्रू के ऊपर हमने ये वाला ट्राइपॉड माउंट लगा दिया है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर जो हमारा हेलमेट है इसके अंदर जो माइक्रोफोन लगेगा जिससे हमारी वॉइस क्लियर होगी, उसकी जो वायरिंग है वो इसके पैडिंग के नीचे कैसे कैसे इंसर्ट होगी। इसमें हम लेफ्ट या राइट साइड में हमारे मुंह के पास माइक को प्लेस करेंगे जिससे कि हमारी आवाज़ वीडियो बनाते टाइम क्रिस्प एंड क्लियर रहे, और इसको हम किसी भी टेप से प्लेस कर सकते हैं लेफ्ट या राइट साइड में। और सेकंड जितनी भी हमारी वायर बच जाएगी उसको हम हेलमेट के पीछे पैडिंग में डाल देंगे। एंड थर्ड स्टेप इज इस लैप माइक की जो पोर्ट साइड वाली वायर है, जो साइड हम किसी भी पोर्ट में इंसर्ट करते हैं, उस वायर को हम जहाँ पे हमने अपना माइक को प्लेस किया है उसके अपोजिट साइड में प्लेस करेंगे, और ये आप प्लेस कर सकते हैं किसी भी टेप के साथ। अब एक साइड हमारी वायर रहेगी एंड सेकंड साइड हमारा माइक रहेगा, और बची हुई सारी वायरिंग हेलमेट के पीछे की साइड पैडिंग में रहेगी जिससे आपको अनकंफर्टेबल भी फील नहीं होगा जब आप बाइक चलाएंगे इस हेलमेट को पहनकर। सो हमारा लैप माइक सेट हो चुका है हेलमेट के अंदर। एंड इसके बाद लास्ट स्टेप है कि हमारे उलांजी मोड के अंदर गोप्रो और माइक अडेप्टर को सेट करना और हेलमेट में माउंट करना, मैं वो भी आपको करके दिखाता हूँ। इसको इस तरह से खोलना है और हमारे गोप्रो का जो ये ढक्कन है साइड वाला, इसको हम इससे डिटैच कर देंगे, क्योंकि जो हमारे उलांजी मोड का साइड वाला ढक्कन है वो आता है गोप्रो के ऊपर, इसलिए गोप्रो वाला जो ढक्कन है हमें रिमूव करना पड़ता है। ये हमारा लग चुका है गोप्रो, इसके अंदर आ चुका है। अब हमें लगाना है इसमें माइक अडैप्टर। ये आ गया इसके अंदर हमारा माइक अडैप्टर भी, और अब इसको हम हेलमेट पे करेंगे माउंट। एंड फाइनल स्टेप इज हम हेलमेट के साथ करेंगे अपने गोप्रो को माउंट, और इसके लिए हमें चाहिए होता है एक ट्राइपॉड वाला माउंट और दो लिंक माउंट चाहिए दो हमें। इसके साथ हमें चाहिए तीन स्क्रू जो यहाँ पे इसमें लगेंगे और दो इसके अंदर यूज होंगे। इन लिंक को अटैच करने के बाद हम लास्ट में लगाएंगे अपने गोप्रो को, जो कि हमने उलांजी मोड में ऑलरेडी फिट कर दिया है, और साथ में इसका माइक अडैप्टर भी लगा दिया है। इसके बाद हम ये जो माइक अडैप्टर की वायर है सी पोर्ट वाली, वो हम लगाएंगे गोप्रो के अंदर।
और फाइनल जो हमने हमारे पैडिंग में से वायर निकाली थी, वायर का जो ये वाला पार्ट है जो हम पोर्ट करेंगे इसके अंदर माइक अडैप्टर के अंदर, उसको यहाँ से नीचे से निकाल के फाइनली माइक अडैप्टर में प्लेस कर देना। सो गाइज, फाइनली मैंने अपना GoPro माउंट कर दिया अपने हेलमेट के साथ विद माइक्रोफोन, यानी कि माइक के साथ, और अब हम इसे टेस्ट करेंगे बाहर जाके कि ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। सो गाइज, मैं अपने घर से बाहर आ चुका हूँ अपने मोटर व्लॉगिंग सेटअप को टेस्ट करने के लिए कि ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। होप फॉर द बेस्ट कि अच्छा ही परफॉर्म कर रहा हूँ, वीडियो भी अच्छी बन रही होगी और ऑडियो भी, शायद इसमें ऑडियो का भी मुझे डाउट है, और अभी मुझे भी डाउट है कि इसकी ऑडियो क्वालिटी क्या पता सही ना आ रही है, क्योंकि अभी मैंने इसको सेटअप किया है ना। तो फॉर द बेस्ट कि अच्छी आ रही हो वीडियो क्वालिटी, तो अच्छी आ रही है इसमें मुझे दिख रहा है। और इसके अंदर एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि जो आप अपना माइक लगाएंगे ना उसको साइड में लगाना, क्योंकि जो हम सांस लेते हैं तो माइक उस चीज़ को ना रिकॉर्ड करे। अगर ये लेफ्ट या राइट साइड में होगा तो सही रहेगा, इस पर सिर्फ आपकी आवाज़ रिकॉर्ड होगी, जो आपके सांसों की आवाज़ होगी वो रिकॉर्ड नहीं होगी। और बाकी अभी ऑडियो क्वालिटी का तो मुझे भी नहीं पता कि मेरी ऑडियो क्वालिटी कैसी आ रही होगी, वो तो जब मैं खुद देखूंगा ये वीडियो तब पता लगेगा। अभी मेरे हेलमेट के वाइजर पे बहुत ज़्यादा फोग आ रही है जैसे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि सर्दियाँ हैं ना, अभी इसका भी कोई ना कोई जुगाड़ करना पड़ेगा, एंटी फोग स्प्रे या फिर एंटी फोग वाइजर लगा के काम चलाना पड़ेगा इसका भी, नहीं तो ये आगे राइड पर बहुत ज़्यादा दिक्कत देने वाली है ये चीज़। अब ट्रैफिक कैसे हो रखा है इतना। और आप भी कमेंट करके बताना कि मेरी ऑडियो क्वालिटी आपको कैसी लग रही है, कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है तो वो भी बताना आप मुझे। और इस मोटर व्लॉग सेटअप के अंदर हम एंगल भी चेंज कर सकते हैं, ऊपर का एंगल रख सकते हैं, नीचे का एंगल भी रख सकते हैं, तो इसके अंदर हमें 2-3 एंगल भी मिल जाते हैं शूट करने के लिए। अभी मैं बहुत ज़्यादा शोर शराबे वाली जगह पे हूँ जहाँ पे बहुत सारे व्हीकल हैं, तो ये बहुत सही चीज़ है स्टार्टिंग में चेक करने के लिए कि मोटर व्लॉगिंग सेटअप कैसा काम कर रहा है, मतलब आवाज़ कैसी आ रही है। वीडियो तो अच्छी बनी रही है मुझे पता है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ वीडियो बनते हुए, तो लेकिन वॉइस का मुझे अभी थोड़ा डाउट है, वो भी मुझे तब पता लगेगा जब मैं इसको एडिटिंग करते टाइम सुनूंगा। भाई साहब बहुत ट्रैफिक है यार। चल भाई चल 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 चल, अरे हट जा भाई। एक डोरी टोस देना, एक डोरी टोस पर्पल वाला, ये वाला, अरे वो वाला साथ वाला, नोट कर लेना। Yes. ये ऑन ही था स्टार्टिंग से ही, स्टार्टिंग से ही ऑन है, जब से घर से आया हूँ मैं तब से। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर डे, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर आप लाइक करें, और उन अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना जिन लोगों को मोटर व्लॉगिंग सेटअप करना है,
ये वीडियो देख के उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। एंड हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आने वाला है। टिल देन बाय बाय।